क्या है पूरी जानकारी? ये है 14 मई 2023 को आज सुबह करीब 11:30 बजे के समथिंग मेरे को सोमलपुर स्थित पार्षद ने सूचना दी कि यहाँ पैंथर की आवाज़ आ रही है, जिसे मैंने स्टाफ को मौके पे भेजा तो स्टाफ द्वारा ये सूचित कराया कि एक पैंथर की मौत हो गई है। और मौत होने की पुष्टि वहाँ पे मौके भी ये हो गई कि पार्किया पॉइंट से ही के जो कांटे हैं उनकी वजह से, आपसी भिड़ंत होने की वजह से ही उनकी मौत हुई है, जिसको हाथों हाथ हमने स्टाफ ने विभाग की सरकारी गाड़ी के माध्यम से वहाँ सीधा सोमलपुर नर्सरी लेके आए और विभागीय उच्च अधिकारियों को इनकी जानकारी की इतला दी। विभागीय अधिकारियों के निर्देशानुसार मर्त पैंथर जो मादा थी उसको हम गोगरा स्थित सरकारी नर्सरी रेंज ऑफिस में लाए और उसके पश्चात जो PM की कार्रवाई के हिसाब से हमने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अजमेर के अधिकारियों से दूरभाष पर निवेदन किया, जिसमें मेडिकल बोर्ड एवं थाने एवं बाकी के विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में इनका PM हो गया है। अब इनका अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। इनकी जो मादा पैंथर हैं इनकी उम्र करीबन 3 से 4 साल के लगभग हैं और सबसे बड़ी विभाग के लिए एक गलत बैड न्यूज़ है कि इसके PM करने पे इनके पेट से करीबन 2 से 2.25 माह तक के 3 बच्चे भी मिले हैं, दो नर और एक मादा। तो इसमें पूरे टीम के साथ में PM किया है, अब इनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे भी मृत मिले? बच्चे ही मृत मिले। अब तक कितना टाइम कैसे मरे अभी? पोस्टमार्टम अभी हम करीबन 1-1.5 बजे बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई चालू हुई है, जो करीबन 1.5 से 1.25-2 घंटे लगे हैं। और यहाँ अभी नर्सरी कार्यालय स्थित ही PM की कार्रवाई अंतिम संस्कार होगा। मैं देशराज मेघवाल, क्षेत्रीय।